आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ चुका है। देश विदेशों में त्योहारों को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। लगातार तमाम देशों से मन मोहने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी क्रिसमस का चढ़ा देखने को मिल रही है। मॉल बाजार इस वक्त रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो चुके हैं, जिनका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाताओं ने बाजारों की ओर रुख किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे, आपको बता दूं कि ये क्रिसमस डे जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ ये ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। यहाँ 25 दिसंबर के दिन जो ईसाई लोग हैं, जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, वो 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिवस मानते हैं और उसी जन्मदिवस को यीशु का जन्मदिवस मानते हुए और उसी को 25 दिसंबर को ये क्रिसमस डे के नाम से ये इस त्यौहार को मनाते हैं। और यही इस समय हम मौजूद हैं आगरा के TDI मॉल पर, और मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन से कि वो दिखाएं, ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से TDI मॉल में ये जो क्रिसमस डे है उसका जो ट्री है उसको किस तरह कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है यहाँ। और यही ये बात करें अगर हम क्रिसमस डे पर त्यौहार मनाने की, तो इसको काफ़ी जो साल का एक ही दिन मनाया जाता है जो कि 25 दिसंबर आता है उसको मनाया जाता है। और यहाँ हम मेरे साथ यहाँ मॉल में कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और ये जान लेती हूँ कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि रघुवंशी। जिस तरह की 25 दिसंबर इसको क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे? एक्चुअली देखिए, क्रिसमस डे ना एक ऐसा त्यौहार है जिसे लोग सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आज के टाइम पर हर कोई बंदा ना, जैसे दिवाली हुआ, होली हुआ, तो उसी तरह से क्रिसमस डे भी हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। इसमें क्या है कि हमें अपने तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके देना बच्चों को, और काफ़ी ऐसे ऐसे आइटम्स होते हैं जो बच्चों को प्रोवाइड कराना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके लिए हम लोग गिफ्ट्स देते हैं, है ना, और काफ़ी फैसिलिटीज होती है इसमें। मतलब काफ़ी इंजॉय किया जाता है सेलिब्रेशन पे। इस बार प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइंस जारी की जा रही है जिसमें 25 दिसंबर एक और 31 दिसंबर इनको जो सेलिब्रेशन उसके लिए पूरी तरह से एक तरह से रोक लगाई गई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या सही है ये रोक? मैम देखिए, रोक लगाना मैं आज की डेट में अनुरोध से इस चीज़ जो गलत है, मतलब कि कोई फेस्टिवल है उसे हम सेलिब्रेशन ना करें तो उससे फ़ायदा ही क्या है? जब तक सेलिब्रेशन सारे त्यौहार होते हैं, सभी लोग इन्जॉय करते हैं त्यौहार वाले दिन, है ना, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी इन्जॉय करें इस दिन, तो जब तक इन्जॉय नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है, आप बताइए। लेकिन देखा जा रहा है कि क्रिसमस डे को जो 25 इस बार जो रोक लगाई जा रही है उसमें कोरोना की जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट्स है उसको लेकर के, उसकी कोई बढ़ती हुई तादाद ना हो इसको लेकर के, उस सुरक्षा को देखते हुए इस पर रोक लगाई गई है, तो क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? मैं सहमत नहीं हूँ उस चीज़ को। मैम एक चीज़ एक कर सकते हैं ना, फैसिलिटी अपने हाथों से दे सकते हैं कस्टमर को। जब हम क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो मास्क प्रोवाइड कराइए आप लोग, है ना। गवर्नमेंट चाहती है ना कि डिस्टेंस बनाए, तो डिस्टेंस हम लोग खुद बनानी है ना। अगर सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो आप लोग, सेलिब्रेशन भी करना चाह रहे हो और चाहते हो कि अपने बच्चों को टॉयज़ वगैरह भी प्रोवाइड कराएं हम लोग, तो उसके लिए हमें खुद अपने आप से ही सेफ्टी करनी पड़ेगी ना। आप मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइज यूज़ कीजिए। गवर्नमेंट का इशू ये तो गवर्नमेंट तो मैम सारी हैं कि जो अपना त्यौहार निकलते हैं उन पर सब पर रोक लगती है, हर चीज़ पर लगती है। आज की डेट में बहुत रोक लगी रही है, आप भी जानते हो, पर हम रोक को ना हटा, रोक ना लगा के उन चीज़ों को सेलिब्रेशन भी तो कर सकते हैं, ज़्यादा बल्क में नहीं, कम में तो कर सकते हैं, कम लोग इन्जॉय कर सकते हैं, साथ में पार्टी कर सकते हैं। सभी का मन होता है कि त्यौहार आया है, पहली बार है, साल में एक बार आता है, कोई डेली तो त्यौहार नहीं मनाता, कोई डेली नहीं आता मनाने के लिए, आप भी जानते हो, सर भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि डेली कोई त्यौहार नहीं सेलिब्रेशन करता, साल में एक बार आता है, एक बार यूज़ करते हैं सब लोग त्यौहार को, है ना, अच्छे से इन्जॉय करना चाहते हैं। इस तरह के देखा जा रहा है कि जिस तरह युवाओं ने हमें बताया कि किस तरह जो क्रिसमस डे पर और 31 दिसंबर इन दोनों पर जो रोक लगाने की जो प्रशासन के द्वारा बात की गई है उसके लिए साफ तौर से यहाँ युवाओं का कहना है कि इस पर रोक ना लगाई जाए, जिस तरह के जो सेलिब्रेशन आते हैं उनको अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। मेरा नाम फादर मून लाजरस है और मैं यहाँ से मेरी चर्च में आध्यात्मिक निर्देशक हूँ, और जैसे कि भी आपने देखा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर पूरी दुनिया भर में बड़ा दिन या क्रिसमस या ईसा मसीह के जन्म का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है,
और पिछले 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ और हर साल हम 25 दिसंबर के दिन उसकी वर्षगांठ मनाते हैं, उस दिन की यादगारी करते हैं। तो दुनिया भर में इसको लेकर विशेष उत्साह होता है। आप देख रहे हैं गिरजाघर में भी हमारे यहाँ के गुरुकुल के छात्र हैं, वो गौशाला बना रहे हैं, सितारे बना रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, कहीं कहीं पे क्रिसमस ट्री या पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो एक विशेष प्रकार का आत्मिक या आध्यात्मिक आनंद है। और विशेष पूजा तो जैसे कल 24 तारीख की मध्य रात्रि को होनी है, जब हम विश्वास करते हैं कि मध्य रात्रि को प्रभु ईसा मसीह का गौशाला में जन्म हुआ, ये तो है। और फिर 25 तारीख की सुबह भी 7:30 बजे है, फिर शाम को 5 बजे यहाँ पर विशेष पूजा होगी जन्मदिन की। उसी के संबंध में सभी गिरजाघरों में तैयारियाँ चल रही हैं। और साथ ही साथ इन दिनों जब हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन या कोरोना जैसी बीमारी है, इनका संक्रमण बहुत फैलता जा रहा है, तो हमने अपने सभी गिरजाघरों में संस्थानों में ये निर्देश जारी कर दिए हैं, हमारे अधिकारियों ने भी और हमने भी, कि सरकारी निर्देशों का पूरा पूरा पालन किया जाए। हमने अपने चर्चेस को सैनिटाइज करा दिया गया है और जितने भी लोग आएंगे उनको भी बोल दिया गया है कि सीमित संख्या में आए, सबको आने की ज़रूरत नहीं है। खासकर बच्चों को और बुज़ुर्ग लोगों को अपने घर पर रह के ऑनलाइन देख सकते हैं, पूजा में वो भाग ले सकते हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको अपने साथ मास्क लेकर के आना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है और कोशिश करना है कि हम एक दूसरे के जितने दूर रहें सामाजिक दूरी का भी हम पालन करें। और हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने पूजा की जो घड़ियां हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, उसको बढ़ा दिया, यानी कि जैसे आम तौर पे मैंने बताया 2 या 3 पूजा होती है, लेकिन हमने बढ़ा के 4 या 5 कर दिए ताकि ज़्यादा होगा और कम लोग आ सकेंगे, कम से कम संख्या में। वैसे भी इस गिरजाघर में कम लोग हैं, लेकिन जाड़ों की वजह से, बीमारी की वजह से हमने ये निर्देश जारी किए हैं कि कम लोग आएँ ताकि अधिक से अधिक इसमें भाग ले सकें। विशेष पूजा जो होगी वो 25 तारीख की होगी, कल रात से शुरू हो जाएंगे मनोरंजन, लेकिन हमने कल शाम को यहाँ पर 7 बजे रखी है पूजा इस गिरजाघर में, 24 तारीख की शाम को 7 बजे होगी, ताकि लोग जल्दी से 8 बजे 8:30 बजे तक ख़त्म करके अपने घर समय से पहुँच सकें। दूर दूर से भी लोग आते हैं तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई रास्ते में अटके या बीमार हो इस वजह से। जी सर, देखा जो हमने यहाँ जो चर्च के जो फादर थे, मैं हमने उनसे बात की और ये जाना कि यहाँ किस तरह की तैयारियाँ हैं और जो 25 दिसंबर का जो पर्व है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, सारी हमें उन्होंने जानकारी दी। और साथ ही साथ जो ओमिक्रॉन का जो खतरा है उसको लेकर के भी यहाँ इनके द्वारा एक खास व्यवस्था की गई है। पूजा को कई हिस्सों में बाँटा गया है कि जो 2 हिस्सों में पूजा होती थी उसको इन्होंने 4 हिस्सों में बांटा गया कि 4 बार में वो पूजा होगी, जिससे कि लोगों को ओमिक्रॉन से बचाव हो सके। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज। पच्चीस दिसंबर एक विशेष तारीख, अगर इसको कहा जाए कि एक बहुत बड़ा त्यौहार या दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार, तो ये कहना गलत नहीं होगा। दरअसल ये दिन 25 दिसंबर जो है वो ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। एक किस्सा भी कहा जाता है जो ईसाई धर्म के अनुसार कहते हैं कि 360 ईसा पूर्व जब रोम के एक चर्च में जन्मदिन मनाया गया ईसा मसीह का, तो काफ़ी इस पर मित उठे कि ये तारीख सही नहीं है या कुछ है। तो उसके बाद फिर अमेरिका सरकार द्वारा एक 25 दिसंबर की जो तारीख है वो तय कर दी गई कि ये वही तारीख है जिस पर आप जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं या पूरा विश्व है, इस तारीख को आप क्रिसमस डे के रूप में मनाएंगे। आज ये तारीख हमारे नज़दीक है और अब बाज़ार जो है वो सज चुका है, क्या क्या नया आया है इस बार, क्या क्या क्रिसमस डे के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या वो है, इसलिए हम आ पहुंचे हैं। प्राइम टीवी की टीम है इस समय एक शॉप पर, झांसी से हम लोग बात कर रहे हैं। क्या क्या यहाँ हमारे साथ हैं इस शॉप के ओनर सर, क्या नाम है आपका? सुमित खंडेलवाल। सर क्या है इस बार नया, क्या नया नया आया हुआ है? सबसे पहले तो मैं पूरी प्राइम टीवी की टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। शुक्रिया सर। देखिए 25 दिसंबर एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा दिन है। क्रिश्चियंस के साथ अब 25 दिसंबर जो तारीख है वो क्रिश्चियंस के अलावा अदर कम्युनिटीज़, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मोहम्मडन्स हो, सब मिलजुल के इस दिन को एक
सार्वजनिक पर्व के तौर पे मनाते हैं। बहुत एक्सक्लूसिव गिफ्टिंग लॉन्च की है, चूँकि दो साल हमारे साथ बहुत कठिनाई में गुजरे व्यापार के, जी जी, जिस कारण से बहुत से प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च नहीं कर पाई थी, पर इस बार कोरोना को देखते हुए, कोरोना जिस तरीके से केसेस में गिरावट आई है, बाजार पूरी तरीके से खुल चुके हैं, व्यापार अच्छी स्थिति में आ चुका है, काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। क्या क्या है सर, थोड़ा दिखाएंगे आप हमारे दर्शकों? आप आइए, मैं आपको पूरा एक सिरे से बताता हूँ। जी जी बताइए, हमारे क्या क्या लॉन्च किया है। सबसे पहले तो ये एक एक्सक्लूसिव डांसिंग बैटरी ऑपरेटेड सेंसर सेंटा है। ये सेंटा की कॉस्ट है 6,995। ओके, हाँ, इसके फीचर्स ये हैं कि जैसे ही इस ये किसी मोशन को डिटेक्ट करता है, ये ऑटो सेंसिंग करके अपना म्यूजिक और प्ले चालू कर देता है। ओके ओके, हाँ, ये इस तरह के ये क्रिसमस के लिए कहा जाता है कि यदि ट्री ना हो तो क्रिसमस अधूरा है। बिल्कुल, ट्री बिल्कुल, के लिए बिल्कुल, क्या नया है ट्री? कौन ट्रीज में इस बार कंपनी ने पाइन ट्रीज, और ये इस तरह की पाइन ट्रीज बहुत अच्छी लॉन्च हुई। ओके, ये दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जो क्रिसमस पे लॉन्च हुई है, पाइन एंड स्नो, व्हाइट स्नो ट्री। अच्छा, ये की क्रिसमस का त्यौहार आता ही पीक विंटर्स में है। ओके, तो इस तरीके की ट्रीज का एक डेकोरेट करने पे अलग ही आनंद आता है। ये इस बार का नया कलेक्शन है, अभी तक ये नहीं आता था। नहीं आता था, ये दो तरह के ट्रीज। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो सर क्या कॉस्ट होती है लगभग? लगभग ये वाला जो पाइन ट्री है, दैट इज फॉर 4,900। ओके, एंड दिस स्नो ट्री इज फॉर 3,800। ओके, और क्या है सर इस बार बाजार में? अंदर आइए, चलिए आइए, हमको ले चलते हैं सर अपनी दुकान के अंदर, क्या क्या नया है हम लोग देखते हैं। देखिए, इस तरह के डेकोरेशंस कंपनी ने इस बार बहुत अच्छा, गोल्डन एंड सिल्वर, पर्टिकुलर बेल्स हो गई, स्टार्स हो गए, ये देख सकते हैं आप हमारे जस्ट सामने, ये देखिए लगभग ये बेल्स हैं, ये सेंटा है। इस बार जो रीत का कलेक्शन है बहुत ही उम्दा, बहुत ही एक्सक्लूसिव कलेक्शन रीत का लॉन्च किया है। ओके ओके, इस तरह की गोल्डन ग्लास सिल्वर ग्लास बॉल्स, ये सब इस बार नए आए हुए? बिल्कुल न्यू 100% हैंडमेड। अच्छा, ये सारे ये जो होते हैं ये हैंडमेड होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी मशीन का काम नहीं किया गया है, दिस इज 100%। अच्छा सर, एक मिनट, यहाँ जैसे ग्रीटिंग को देखा तो एक पुरानी चीज याद आ गई, जैसे ग्रीटिंग का पहले एक दौर होता था, तो अब सर इसका कितना प्रभाव है? देखिए, यू कांट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल विदाउट giving your emotions, without giving your feelings, so card is the only way jisme you can express your feelings, your sentiments. Aaj ke is social daur mein main bolunga, itna samay tez ja raha hai, chahe wo Facebook ho, chahe wo WhatsApp ho, chahe wo Insta ho, but you can't get that emotions, that feelings, that attachment without a card, so card is the backbone. लेकिन कहा जाए तो इमोशन के दौर में व्हाट्सएप ने अपनी जगह जो है बहुत हावी कर ली है, तो आपको नहीं लगता कि ये कार्ड जो है बहुत पीछे छूट गए हैं व्हाट्सएप या फेसबुक से? आपका कहना बहुत हद तक मैं सही बोलूँगा, जी जी जी, पर एक समय में जरूर कार्ड्स की बिक्री में गिरावट आई थी, पर पिछले 3-4 साल से वापस कार्ड्स की बिक्री, कार्ड्स की सेल अपने पुराने अंदाज में बिल्कुल। चलिए सर और देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास नया। सर, ये क्या शॉपिंग के लिए आए हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल शॉपिंग के लिए ही आए हैं। जी जी, तो इस बार कैसे क्या प्लान है? ओमिक्रोन भी लगभग नज़दीक है और क्रिसमस भी लगभग नज़दीक है, इसीलिए तो मास्क के साथ सेफ्टी बढ़ते हुए हैं। तो इस बार नया है, क्या कुछ समझ में आ रहा है बाजार आपको? बाजार में रौनक तो है, लेकिन उस हिसाब से क्या है कि भीड़ थोड़ा कम है। अच्छा, महंगाई की बात की जाए तो पहले की अपेक्षा कम या ज्यादा? पहले की अपेक्षा तो महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी हुई है। बिल्कुल, तो त्योहार में जो है थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नमक बहुत ज्यादा हो गया है त्योहार। चलिए चलिए, ये पूरा ये स्थितियाँ हैं, ये देखा हमने की बाजार की लगभग सारी चीज घुमाई, क्या इस बार नया आया, क्या क्रिसमस का क्या तैयारियां हुई, क्या लोगों का कहना है, ये हमारे सारी स्थितियां हैं जो हमने आपको बताई। क्रिसमस के लिए बहुत सारी नई लाइटें भी, नई झालरें भी आ चुकी हैं बाज़ार में। हम एक झालर, एक लाइट की दुकान पर हैं, ये उसके ओनर हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या नया है बाज़ार में, किन लाइटों को लेके इस बार
काफ़ी जो ग्राहक हैं उनकी मांग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है आकाश। तो इस बार कौन कौन सी लाइट आई हुई है? ये नया लाइट स्टार आया है नया। जी जी, ये मात्र 30 रुपये का है। ये 30 रुपये का एक है या पूरा झालर है? 30 रुपये का एक स्टार, ये पूरा है सेट 300 रुपये। तो ग्राहकों की ज़्यादा मांग क्या है और क्या क्या नहीं झालर? ये प्यारा स्टार आया है। अच्छा, ये देख सकते हैं छोटे छोटे स्टार के रूप में है। उसके अलावा और क्या है? और ये नया बाइक में एक नया स्टार आया है। लगभग स्टार को ज़्यादा फोकस किया गया है इस बार बाजार को लेके जो है क्रिसमस का। ये देख सकते हैं आप स्टार है ये, और जो है ये बेल्स हैं, ये आप देखिए बेल्स हैं, और बॉल आई है, और भी नई नई चीज़ें हैं। और कुछ लोग हैं यहाँ से, हम जानते हैं कि सर कैसा माहौल है इस बार, ओमिक्रॉन लगभग बड़ा आपके नज़दीक है, कैसे कि ग्राहकी क्या है इस बार? अब हमारे सभी देशों में ओमिक्रॉन फैल रहा है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, अपने भारत में ही दुगनी तेज़ी से फैल रहा है। और आने वाले समय में यही है कि त्यौहार जो है, नए साल का जो जश्न है, बहुत ही मंद पड़ जाएगा। क्रिसमस पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है इस पर। ये देखिए, ये लगभग सबका यही स्थिति है कि क्रिसमस और त्यौहार एक अलग बात है, और लगभग जो है ओमिक्रॉन ने सबको बांध के रखा है। क्रिसमस के त्यौहार को लेकर सेंट पीटर्स स्कूल में तैयारियां चालू हो चुकी है। हम ये कहेंगे कि 25 दिसंबर को ही जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन होता है। कैमरामैन से कहेंगे और दिखाएं, ये क्रिसमस ट्री है और पूरे हाल को धीरे धीरे करके भव्य रूप से सजाया जा रहा है। आपको बताते चले कि कल शाम से ही ये त्यौहार मनाया जाएगा और लगभग एक हफ्ते तक जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को मनाया जाता है। हमारे साथ सेंट पीटर्स स्कूल के फादर हैं, आइए जानते हैं कैसे अपने गॉड को सेलिब्रेट करते हैं। सर, क्या परिचय आपका? मैं फादर रेजिनाल्ड डिसोजा, सेंट पीटर्स चर्च के पल्ली पुरोहित फादर और सेंट पीटर्स स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं, प्रिंसिपल। सर, 25 दिसंबर आ गए हैं, जीसस का बर्थडे है, तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? जीसस का बर्थडे हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अपने प्रेम को इजहार करते हुए अपने इकलौते पुत्र प्रभु येसु को इस धरती पर भेजा, और एक बालक के रूप में उनका जन्मदिवस हम लोग कल 24 रात को, वैसे तो उनका जन्म 12 बजे रात को मनाया जाता है, लेकिन हम लोग 7:30 बजे से यह पूजा और कार्यक्रम शुरू करेंगे और करीब 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा कल रात का, और परसों फिर 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहेगा, और करीब एक हफ्ता हम लोग प्रभु येसु का जन्म का या बड़ा भव्य समारोह और ये त्यौहार क्रिसमस हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग प्रार्थना में हम लोग विशेष रूप से उनके इस धरती पर आने का हम लोग खुशियां मनाते हैं, क्योंकि वो मुक्ति देने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रार्थना होगी और उस प्रार्थना में हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि सबके लिए दुआ करते हैं हम लोग, इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, शांति के लिए, क्योंकि उनका मुख्य संदेश था सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और धरती पर उनकी कृपा पात्रों को शांति मिले। विशेष रूप से हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस धरती पर जो आए हैं, और पूजा पाठ और संगीत गानों के साथ हम लोग इसको मनाते हैं, और बहुत सारे हम लोगों ने डेकोरेशंस किए हैं इसी के उपलक्ष्य में, और ये डेकोरेशंस काफ़ी समय से चल रहे हैं और ये अभी करीब करीब हम लोग समाप्ति की ओर हैं, और कल से हम लोग पूजा पाठ के साथ और लोग जो आते हैं हम लोग को मिलने के लिए उसके साथ, और केक बांटते हुए, और कुछ लोग जो गरीब हैं उनको हम लोग उपहार। ये थे हमारे साथ सेंट पीटर स्कूल के फादर हैं, हम दिखाएंगे आपको, ये प्रभु यीशु की है प्रतिमा, जो 25 दिसंबर की रात को 12 बजे इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। हालांकि इन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से इस कार्यक्रम में पालन होगा। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली।
25 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है, इसी कड़ी में आज हम क्रिसमस संबंधित तमाम जो वस्तुएं हैं जो क्रिसमस डे को मनाने में उपयोग की जाती हैं उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इस बार क्रिसमस पे क्या खास होगा और खरीदारों को इस बार क्या पसंद आ रहा है और केकों की प्री बुकिंग आ रही है क्या अभी। सर पिछले साल कोविड को लेकर लोगों ने क्रिसमस नहीं मनाया था, इस बार क्या दिख रहा है आपको? इस बार बहुत अच्छा दिख रहा है और क्रिसमस हम लोग मना रहे हैं, अभी 25 तारीख है, कल हम क्रिसमस मना रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल कोविड के चक्कर में नहीं मना पाए थे तो बच्चे भी घर में दुबके हुए बैठे थे, ईश्वर से यही कामना है कि कभी कोविड ना आवे, बस हम लोग इसी तरह हंसते खिलखिलाते हुए क्रिसमस मनाते रहे। क्या आपको लग रहा है कि इस साल का क्रिसमस पिछले साल के मुताबिक कुछ बेहतर होगा? बिल्कुल बेहतर होगा, हमारी सरकार ऐसा प्रबंध कर रही है कि हम लोग खुले आसमान के नीचे आराम से क्रिसमस मनाएं और अपने त्योहारों को मनाते रहें। कोविड सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, कोविड टीका ला करके और हम लोगों को सिक्योर किया है। सर माय नेम इज राजारिन कौशल है। अच्छा ये बताएं कि आपकी ये दुकान है? जी सर। तो पिछले साल के मुताबिक क्या सेल में इस बार कुछ उछाल आया? जी सर, सेल के साथ साथ रेट में भी उछाल आया है और प्लस इस बार रेट थोड़े से बढ़ के भी आए, कस्टमर को भी इस बार लगाव भी इस बार है और पहले से ज़्यादा सेल इस बार। अच्छा पिछले साल के मुताबिक जी सर कस्टमर की आने की अगर जो संख्या देखी जाए तो कुछ बढ़ा है? नहीं सर बढ़ा नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो कस्टमर है थोड़ा सामान ज़्यादा ले रहे क्योंकि खास करके कि ये सेंटा इस बार साल में एक ही बार आता है त्यौहार और क्रिश्चियन लोग ज़्यादा ही आ रहे हैं इस बार और सभी लोग ऐसे मनाते हैं ये त्यौहार और अच्छी चीज़ है, किसी के भेदभाव नहीं है, क्या बोलते हैं उसको लेकर धर्म को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं है तो अच्छी बात है। हमारे क्या क्या चीज़ों को अपनी दुकानों पर रखे हैं? हमारे सर बहुत सारे डेकोरेशन का सारा आइटम है सर, स्टार से लेकर सेंटा क्लॉज का ड्रेस भी हैं, कैप हैं, रीत भी हैं, ये सब देखिए एकदम एक से एक चीज़ें हमारे पास, डेकोरेशन के सारे आइटम हैं हमारे पास। अच्छा ये बताएं खास तौर पे क्या भा रहा है खरीदारों को? खास करके तो सर ये हमारे पास अभी देखिए जैसे सब रीत है, हैंगिंग के लिए डेकोरेट का सामान ही भा रहा है सबसे ज़्यादा और बच्चों का ड्रेस भा रहा है इस समय सबसे ज़्यादा, वही सेल हो रहा है इस समय। तो बच्चों को पूरे सेंटा क्लॉज का जो ड्रेस होता है जी सर वो बच्चे ज़्यादा खरीदते हैं? जी ड्रेस है और ये सब डेकोरेट के आइटम ही सबसे ज़्यादा हो क्योंकि वो स्कूल में भी मांगे जाते हैं, उसका डिमांड स्कूल में भी, इसीलिए तो बच्चे वही की सबसे ज़्यादा। स्कूलों में मांगा जाता है कि आप क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज बन के? जी सेंटा क्लॉज बन के प्लस छोटे से पेड़ भी लेकर आइए डेकोरेट के साथ, तो वही तीन चीज़ ज़्यादा ही बिक रही है, ट्री और डेकोरेट का सामान और ड्रेस, बाकी तो ये सब हैंगिंग के लिए। बात किया जाए एज लिमिट की जी, तो किस एज के लोग ज़्यादा आ रहे हैं सर खरीदारी में? तो सर वैसे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं पेरेंट्स के साथ, जैसे कि 2 से 8 साल के बच्चे ज़्यादातर आ रहे हैं खरीदने के लिए, बड़ों को थोड़ा कम लगाओ लेकिन बच्चे इस बार ज़्यादा आ रहे हैं। क्रिसमस संबंधित तमाम बेकरी और उससे जुड़ी सजावट की दुकानों पे गए जहाँ साफ तौर पे खरीदारों का इस बार बेहद उनका रुख जो अलग है क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है पिछले साल लॉकडाउन की वजह से हमारा क्रिसमस खास नहीं हो पाया था, वहीं हमने स्कूली बच्चों से बात किया और जाना कि इस बार क्रिसमस पे स्कूलों में सेंटा क्लॉज की थीम पे उन्हें जाना है और क्रिसमस वो इस तरह से मना रहे हैं। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। क्रिसमस डे पर प्राइम टीवी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।